कर रहे हो बच्चा? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैर से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। अच्छा जी, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से अपने फ्राइडे की रूटीन शेयर करने वाली हूँ। ये वाला व्लॉग मैंने फ्राइडे के दिन बनाया था। अभी बस सुबह का टाइम है और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ऊद। जो रेंटल अपार्टमेंट्स होते हैं ना, इनके अंदर खाना बनने के बाद कुछ ना कुछ स्मेल बाकी रह जाती है घर में। सो इस तरह से अगर ऊद या फिर कैंडल वगैरह जला देना तो इससे बहुत प्यारी सी फ्रेग्रेंस आती है और मूड भी बहुत फ्रेश फ्रेश रहता है। तो सुबह में या फिर शाम में ये ऊद जलाती हूँ मैं घर में। और साथ ही साथ मैंने चाय भी बनने के लिए रखी हुई थी, वो भी बस बन के रेडी हो गई है। इसे बस मैं छान लूंगी इस तरह से और बस अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं पे बाहर। हमारे घर के थोड़ी दूरी पे ना एक बहुत प्यारा सा पार्क है जहाँ पे अक्सर हम लोग आते रहते हैं। स्पेशली सैटरडे और फ्राइडे की जो चाय होती है ना, वो सुबह की, वो हमारी यहीं पे होती है। और आजकल ओमान का मौसम तो इतना प्यारा हुआ हुआ है ना कि इस तरह की जो बाहर के आउटडोर एक्टिविटीज होती है ना, इनमें बहुत मजा आता है। बस हमने अपनी चाय खत्म की है, थोड़े गप्पे शप्पे लगाए हैं। और अगर सच बताओ ना, सो घर पे रहते हुए फैमिली और बच्चों के साथ भी क्वालिटी टाइम बिताना ना इतना मुश्किल काम है। एक बार जब किचन में घुस जाए ना, तो सुबह से लेकर शाम तक भी अगर किचन में कर रहे तो ये किचन के काम खत्म ही नहीं होते। इतनी बरकत है ना इन कामों को। सो बेटर तो यही होता है हमारे लिए कि बस बच्चों के साथ में हम लोग बाहर निकल आते हैं और बच्चे थोड़ी देर अपना एक्टिविटी कर लेते हैं कुछ, और हम भी बैठ के अपने गिले शिकवे निकाल लेते हैं एक दूसरे के साथ। स्पेशली फ्राइडे और सैटरडे को घर का कोई भी एक्स्ट्रा काम में नहीं निकालती, क्योंकि अब साथ के पापा सुबह चले जाते हैं ऑफिस के लिए। सो डायरेक्टली शाम को 4 या 5 बजे घर पे आते हैं। सो ये जो वीकेंड्स होते हैं ना, ये दोनों जो दिन होते हैं ये हमारे बच्चों के आसपास ही गुजर जाते हैं। मेरे मदर इन लॉ कहते हैं कि बच्चों की परवरिश का सारा श्रेय उसकी माँ को जाता है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक माँ को अपने बच्चों को टाइम देना कितना जरूरी है। आज कल छोटे से छोटे बच्चे के पास में अपना फोन होता है, फोन जैसे हर इंसान की जरूरत बन गई है। बट इसमें अच्छी और बुरी दोनों ही चीज होती है और बच्चे पूरा दिन कुछ ना कुछ इसमें वीडियोस में देखते रहते हैं, जिसमें सही और गलत का उन्हें डिफरेंस नहीं करते आता। तो इन्हें ये डिफरेंस करवाना भी बहुत जरूरी है। जब इन्हें हम टाइम देते हैं, इनके साथ में टाइम गुजारते हैं ना, तो बच्चे भी हमारे साथ में कनेक्ट होते हैं और अपनी सारी चीजें हमसे भी शेयर करते हैं। माओ तुम क्या खा रहे हो बच्चा? माओ गुड गर्ल माओ। और बच्चों के लिए ना मैं खाने के लिए कुछ चीजें साथ भी ले आई थी। ये वाली जो शेव है ना, ये महविश को बहुत पसंद है। सुबह में ना मौसम काफी अच्छा होता है और यहाँ पे लगे इन जरा ब्राइट कलर के फूलों को देखे आप, रेड येलो व्हाइट, इतने खूबसूरत लगते हैं ना ये फूल। मान की गर्मी ना हमेशा ही तेज होती है, बट यहाँ पे माली लगे होते हैं जो कि दिन दिन भर इनकी केयर करते हैं। जब जाके इस तरह के खिले हुए फूल हमें देखने के लिए मिलते हैं। कुछ वर्ड्स ना बहुत छोटे होते हैं, बट इनके पीछे ना मेहनत उतनी ही बड़ी लगी होती है। जैसे कि केयर और ट्रस्ट बहुत छोटे शब्द है, बट इनके पीछे ना इन्हें अपनी लाइफ में पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। खैर यहाँ पे हमारे 1-2 घंटे कब गुजर जाते हैं ना, हमें पता ही नहीं चलता। काफी देर हो गई है और महविश की भी फर्स्ट नैप का टाइम हो गया है। तो अब बस हम जा रहे हैं घर। जी, वापस आने के बाद सबसे पहले मैं अभी ब्रेकफास्ट की तैयारी करूंगी। सो रात को ना बच्चों के सोने के बाद मैंने गाजर को घिस के रखा था हलवा बनाने के लिए, बट काफी रात हो गई थी तो मैं बना नहीं पाई थी। सो अभी मैं ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी गाजर का हलवा और इसके साथ में मैं बना रही हूँ आलू ब्रेड के पकौड़े। इस ब्रेड पकौड़े की रेसिपी मैं पहले भी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। ये इतने मजे के और क्रिस्पी बनते है ना, ये मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है।
आजकल साथ के पापा ऑफिस के लिए 6:30 बजे निकल जाते हैं और साथ जाता है 7 o'clock को, तो ये वाले जो लेट लतीफ नाश्ते होते हैं ना, ये हमारे वीकडेज में नहीं हो पाते। मुझे याद नहीं, शायद ही इन 1-2 हफ्तों में मैंने कुछ डिफरेंट बनाया होगा, वरना 2 वीक से हमारी बस वही रूटीन चल रही है, या तो चाय ब्रेड या फिर चाय पराठा। सब मैं सोचा आज थोड़ा डिफरेंट बनाती हूँ, साथ के पापा भी खुश हो जाएंगे और बच्चे भी। को भी मैंने पकने के लिए छोड़ा था, तो 10 मिनट में ना इसका सारा पानी अब ड्राई हो गया है और अच्छी खासी गाजर पक गई है। सो अब इसके अंदर ना मैं तकरीबन 1/2 कप के करीब डालूंगी मिल्क मेड, 1/2 कप मैंने डाली इसमें शुगर, और अब ना 1 टेबल स्पून जितना मैंने इसके अंदर ऐड किया है इलायची पाउडर। इन सभी चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। गाजर के हलवे में शक्कर डालने के बाद भी ना इसमें थोड़ा पानी रिलीज होता है, सो इसे मैंने बिल्कुल हाई फ्लेम करके पकने के लिए छोड़ा है दोबारा से। और यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब घी लिया था, इसमें मैं सभी नट्स डाल के इन्हें फ्राई कर लूँगी जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाता, और जब इनका कलर चेंज हो जाएगा ना तो इसे मैं डाल दूंगी गाजर के हलवे में। और जस्ट इन 15 मिनट्स हमारा जो गाजर का हलवा है ना वो तैयार हो गया है। ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको ये गाजर का हलवा ना बिल्कुल बाजारों जैसा बहुत मज़े का लगेगा। और ऑयल मैंने रख दिया है अब गर्म करने के लिए, और अब इन पकौड़ों को ना मैं डिप करती जाऊंगी बेसन में और इन्हें डाल दूंगी फ्राई करने के लिए। इसके लिए ना बेसन में सिंपल मैंने हल्दी, नमक, धनिया डाला था कट करके, जीरा गार्लिक पेस्ट डाला है, और पानी डाल के ना इसका फाइन पेस्ट बना लिया है मैंने। और आलू में भी सिर्फ मैंने डाला था प्याज, धनिया, हल्दी, नमक डाला था, और आलूओं को अच्छे से मैश करके ना मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस में लगा दिए थे, और बस उनके स्लाइसेस कट कर लिए। और इसे बेसन में फ्राई करके या फिर इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी ये बहुत मज़े के लगते हैं। और बस यहाँ पे अभी मेरे जो पकोड़े हैं ना वो रेडी हो गई है, 1 बैच मैंने निकाल ली है, और अब ये जो 2nd बैच है ना ये भी मैं डाल दूंगी। यहाँ पे अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और साथ के पापा भी आ गए थे, बस रेडी होके नमाज के लिए जाएंगे, 12:45 बजे निकल जाते हैं नमाज के लिए, जल्दी होती है यहाँ पे। और जैसे ही महवेश ने देखा ना कि पापा रेडी होके आ गए, सो ऐसे भाग के बस आई है नहीं इसके पापा के पास में, सो इन्होंने इसे ऊपर बैठा लिया था अपने पास में। और महवेश ने आज गाजर का हलवा देखा ना कि आज मम्मी ने गाजर का हलवा बनाया हुआ है, तो इसने हर चीज़ का मुंह मीठा करवाया है, इसने कैंडल को क्या खिलाया है, सोफे पे भी इसने सारे हलवे के हाथ लगाए हुए थे, इतना मैसी करा हुआ था ना इसने सोफा। तो साथ के पापा के जाने के बाद सबसे पहले काम तो मैंने यही किया था कि मैंने सोफे को क्लीन किया। इन्होंने कहा था मुझे कि इसके ऊपर एक चादर या कपड़ा मैं डाल दूं, बट मुझे ढकी हुई और छुपी हुई चीज़ें ना अच्छी नहीं लगती, तो मैं डाल ही नहीं रही थी। मैं बार बार क्लीन करते रहती हूँ सोफे को, बट अब ये इतनी बदमाश हो गई है ना कि बार बार जो चीज़ इसके हाथ लग जाती है ना उसे सोफे पे लगा देती है। उनके जाने के बाद सबसे पहले तो मैंने सोफे को क्लीन किया और इसके ऊपर ना मैंने चादर डाल दी थी, जो बेडशीट मेरे पास में थी ना वो वाली। और बस अभी मैं सभी कामों से फारिग हो के यहाँ पे अभी मैं अपनी नमाज अदा करूँगी, और जहाँ पे मैं रहती हूँ ना ये मैडम वहीं पे बस आ जाते हैं, इन्हें वही खेलना होता है जहाँ पे मैं रहती हूँ, और एक एक टॉय ला के बस मुझे पकड़ा रही है। मैं इसे बैठा रही थी कि तुम दुआ मांगो, बैठो मेरे साथ में, बट इसने नहीं बैठना, इसने मुझे अपनी बातों में लगाना है। के पापा जब नमाज के लिए गए ना, तो मैंने उनसे पूछा था कि लंच में आप क्या खाओगे, क्या मैं बना लूँ लंच में। सो इन्होंने कहा था कि नाश्ता तो हमने अच्छा खासा कर लिया है, बस तुम ना अब लंच में कुछ हल्का फुल्का ही बना लेना। सो सच अगर बताऊँ ना तो ये जो हल्की फुल्की चीज़ें होती है ना, ये बनिस्बत रोटी के मुझे बनाना ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि इनका सिर्फ नाम हल्का फुल्का होता है, हालांकि मेहनत ना इन चीज़ों में मुझे ज़्यादा करनी पड़ती है। रात को मैंने इडली का बैटर पीस के रखा हुआ था और मौसम ठंडा है ना तो ये इतना ज़्यादा फूला नहीं था, सो जितना ये फूला था बस उसी से मैंने इडली बनने के लिए डाल दी है,
और अब इसके साथ में ना मैं टू टाइप्स की चटनी बनाने वाली हूँ। मैं बनाऊंगी खोबरे की और दूसरी में बनाऊंगी शेंगदाने की चटनी। इन दोनों की रेसिपी ना बहुत सिंपल सी है, इसे हम डोसा, इडली या फिर मेदू वड़े के साथ भी खा सकते हैं और ये दोनों ही ना बहुत टेस्टी लगती है खाने में। जी यहाँ पे अब मैंने दोनों चटनी बनाने की तैयारी कर ली है। सो खोबरे की चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है खोबरा, इसमें मैं डालूंगी अदरक, लहसुन की कुछ कलियां ली है, इसके साथ 2 टेबलस्पून दालिया, 1 टेबलस्पून इसके अंदर कूटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून नमक मैंने डाला है। और यहाँ पे अब शेंगदाने की चटनी बनाने के लिए मैंने लिए है शेंगदाने, इसमें भून के हरी मिर्च डाली है और ढेर सारा मैंने हरा धनिया इसमें डाला है। और अब इन दोनों को ना अलग अलग जार में डाल के इन दोनों का मैं फाइन पेस्ट बना लूंगी। खोबरे की चटनी पीस के ना मैंने एक बाउल में निकाल ली है, अब इन्हें मैं लगाऊंगी तड़का। तो जो चीज़ें इनमें लगेंगी ना वो सेम ही है, बस जो तरीका है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। तो 2 टेबलस्पून जितना ऑयल लेके इसमें मैंने सबसे पहले डाला है राई, जीरा और कड़ी लीव्स मैंने इसमें डाली है। और जब ये चटक गए ना तो इसे मैंने जो खोबरे की चटनी बाउल में निकाली थी ना उसके ऊपर डाल दिया था और अच्छे से अब मिक्स कर लूंगी इसे। पैन में मैंने दोबारा से 2 टेबलस्पून जितना ऑयल डाला है, इसमें मैं डाल रही हूँ राई, जीरा, कड़ी लीव्स। और जब ये अच्छे से चटक जाएंगे ना तो जो ग्रीन चटनी मैंने पीस के रखी है ना, सॉरी, वो मैं इसमें डाल दूंगी। और इसके साथ में ना मैंने 1 कप जितना पानी भी डाल दिया था, क्योंकि जो शेंगदाने की चटनी है ना पकने के बाद में मजीद ठीक हो जाती है। इसके बाद में मैंने इसमें 1 टेबलस्पून जितनी चीनी और 1 टेबलस्पून जितना नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और यहाँ पे ना दोनों चटनियाँ बस रेडी हो गई है, शेंगदाने की भी और खोबरे की भी। ये वाली चटनी ज़रूर ट्राई करना, ये खोबरे की चटनी ना खाने में बहुत मज़े की लगती है। और थोड़ी देर बाद ना साथ के पापा भी आ गए थे नमाज से, तो अब हम यहाँ पे लंच कर रहे हैं। और महविश मैडम ना अब अपने हाथों से इन्होंने खाना सीख लिया है, खुद उठाते और खाना शुरू कर देते हैं। बच्चों को खुद के हाथों से खाना खिलाना सिखाना भी ना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। खुद अपने हाथों से खाती है बट इतना काम बढ़ाती है ना, जब तक मैंने अपनी प्लेट बनाई थी तब तक इसने एक इडली की उधर बैंड बजा दी थी। और ये ना अभी शाम का टाइम है, साद और मैं पेंटिंग्स कर रहे हैं यहाँ पे। कई दिनों से ना मैंने एक कैनवस बोर्ड खरीद के रखा था पेंटिंग करने के लिए, ताकि मैं एक अच्छी सी पेंटिंग बना के ना वॉल पे लगा लूँ, बट इसके लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और जब ये वीडियो मैंने शूट की ना उस टाइम पे लॉन्ग वीकेंड्स चल रहे थे, 4 डेज का ऑफ था। सो बच्चे और साथ के पापा भी 4 दिन के लिए घर पे ही थे, तो ये वाला जो डाइनिंग टेबल है ना इसके ऊपर जो हमने लगाई थी ना पेंट की ढेर, पूरा 4 दिन तक ना ये डाइनिंग टेबल ऐसे ही पड़ा रहा। मैं काम खत्म कर लेती थी और दोबारा से हम लोग बैठ जाते थे कुछ ना कुछ DIY करने के लिए। बहुत सारे DIYs भी हम लोगों ने ट्राई किए, कुछ चीज़ें तो ऐसी बन गई थी ना बस उसे मैंने डिस्कार्ड कर दिया, और कुछ कुछ चीज़ें तो इतनी मज़े की बन गई थी ना। सो मैंने सोचा कि मैं अभी इन्हें नहीं फेंकूंगी, इन्हें मैं किसी कोने में ना एज अ शोपीस यूज़ करूँगी। हम जो छोटे बच्चों की मम्मीज होती है ना, हमें काम करते हुए ना बच्चों को कहीं ना कहीं बिजी करना पड़ता है, जब जाके हम कुछ अपना काम कर पाते। सो महविश को मैंने टॉय बॉक्स देके बैठाया हुआ है कि मैं जब तक काम कर रही हूँ ये अपने टॉयज से खेलेगी, बट ये खेल तो कम रही है, इसने मेरे लिए ज्यादा काम फैला दिया है। और जो DIYs हमने बनाए हुए थे उसे मैं यहाँ पे सेट कर दूंगी और यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।